शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ हेलो, हाँ बोल चब्बो। हाँ कितना हुआ भाई? क्या घर छोड़ जा रहे लिए? जातरी माँ का नाका, मैं भी नहीं आऊंगा तेरे को लेने के लिए। फिर तसुए बहाते हुए वापस मत आना मेरे पास। ओ भाई, ये रुकना भाई यार, बीबी दिमाग का झोपड़ा कर रही लिए, ऊपर से तेरे को जल्दी है यार। कहाँ फंस गया यार? शब्बो तू धंधे के टाइम जो हटा रही ली ना मेरी है? शब्बो हेलो, अरे किसने ये डिब्बा बनाया? इसकी बहन का पति पत्री। हाँ बोल बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी है? जिसको तोड़ना चाहिए उसको नहीं तोड़ता है, मोबाइल तोड़ता है। पकड़ पैसे ले। ये रुक, तेरी माँ का नाका तेरे को तोड़ के दिखाऊं क्या? भाषण दे रहे साला, इसकी हड्डी पसली जोड़ दे भाई। हाँ क्या? अरे इसकी तो मैयत निकल गई है फारूक भाई। मैयत? ए फारूक क्या ले जरा। अरे इसकी माँ का नाका, इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। आया डार्लिंग, आया डार्लिंग के बच्चा इधर आया। अरे बच्चों से दुश्मनी क्या डार्लिंग? नमस्कार। बोला सर। क्या टैक्सी हटा यहाँ से, मैं तो चालान काटू क्या? अरे क्या भूल गए, 50 रुपए रात में दिए थे, भूल गए आप? अरे रात गए बात गई, चल टैक्सी हटा यहाँ से, नो पार्किंग है ये। चल 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 निकल। बराबर बराबर बराबर। ए टैक्सी तू भी हटा, आएगा चल। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग खराब मलट चलेगा। अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा? आओ बैठो 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 बैठो, चल बैठो बैठो। या अल्लाह, भर दे फारूक का गल्ला। चलो चलो चलो, 50 का लोबान जला था, 500 का काम हो गया। अरे चलो तू किधर जा रहा है? साइड में झगड़े करो, चल ये तेरी टैक्सी पीछे ले चल। अरे चल रे साहब, लाइन में क्यों खड़े हो? हटाओ ना सबको। अरे तू निकल अपना काम कर, टैक्सी हटा पहले चल। अरे हटाएं क्या पहले इनको सबको, खाली निकल यहां से निकल। साला रात को 50 रुपए के लिए केचुआ बना रहता है और सुबह एनाकोंडा बन जाता है। हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। ले भाई इसे। भैया जी हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं दे रहा हूँ, दे मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टैक्सी वाला तेरी क्या मदद कर सकता है? 50 रुपए से ज्यादा औकात नहीं है, रख ले इसे तू। भैया तुझे भी नौकरी चाहिए? इसकी माँ का नाका, ये तुम लोगों का कोई गैंग बैंग तो नहीं है बे? मतलब साला एक को दिया तो दूसरा आ गया। भैया मैंने कहा टैक्सी आपकी है। नहीं नहीं, तेरे बाप की है, खरीदेगा? भैया मैंने कहा मुझे अंधेरी उड़ जाना है। हाँ जी। चलोगे? ये कौन सी जगह है बे? भैया जी हम तो यहाँ नए शहर में, हम कहाँ जाने? ये कौन सी जगह है बे? अंधेरी पू। एक मिनट, पू। हाँ पू के आगे वो और वो के ऊपर उल्टी डंडी का मात्रा। चुप, स्पीड ब्रेकर साले, एक ऊपर पू फिर डंडी फिर मल्टी फिर कल्टी फिर मात्रा, क्या समझा रहा है भैया जी? अरे तू रखना यार, एक आदमी से तो निपटने दे मुझे। आराम से समझाए, अंधेरी पुल कहाँ है? ये अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट और ऐसे बोलना। इसको अंधेरी ईस्ट जाने का है, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ूंगा, फिर इसे अंधेरी ईस्ट छोड़ूंगा, यानी 500-600 की कमाई, यानी खत्म लड़ाई, बीबी को सीधे ले जाऊंगा सिनेमा हॉल। चल तू टैक्सी में बैठ, देख पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ने का है, उसके बाद तुझे अंधेरी छोड़ूंगा, ठीक? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, फुट फुट दूसरी टैक्सी पकड़ ले ना। वैसे अंधेरी तक यहाँ से जाने में तुझसे 350-350 रुपये आदमी ले लेगा, मैं तुझसे 250 लेता हूँ, तेरी मर्जी, बैठना हो बैठ, नहीं तो फूट ले, दूसरी टैक्सी पकड़ ले। ठीक है भैया, चल चल बैठ 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 टैक्सी में। भैया जी तू रखना मेरे भाया, 50 रुपया दिया, 500 का भाड़ा मिला, तू कल भी मिलना। भैया इसमें क्या लिखा है? अरे यहाँ नौकरी दी जाती है, देश विदेशों में भेजा जाता है, जा जा तुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ जा। हाँ हेलो, हाँ बोल चब्बो। हाँ कितना हुआ भाई? क्या घर छोड़ जा रहे लिए? जातरी माँ का नाका, मैं भी नहीं आऊंगा तेरे को लेने के लिए। फिर तसुए बहाते हुए वापस मत आना मेरे पास। ओ भाई ये रुकना भाई यार,
बीबी दिमाग का झोपड़ा कर रही है, ऊपर से तेरे को जल्दी है यार। कहाँ फंस गया यार? शब्बो तू धंधे के टाइम जो हटा रही ना मेरी, हैं? शब्बो हेलो। अरे किसने ये डिब्बा बनाया? इसकी बहन का पति पत्री। हाँ बोल बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? जिसको तोड़ना चाहिए उसको नहीं तोड़ता है, मोबाइल तोड़ता है। पकड़ पैसे ले। ये रुक, तेरी माँ का नाका तेरे को तोड़ के दिखाऊं क्या? भाषण दे रहे साला, इसकी हड्डी पसली जोड़ दे भाई। हाँ क्या? अरे इसकी तो मैयत निकल गई है फारूक भाई। मैयत? ए फारूक क्या ले जरा। अरे इसकी माँ का नाका, इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। आया डार्लिंग, आया डार्लिंग के बच्चा इधर आया। अरे बच्चों से दुश्मनी क्या डार्लिंग? नमस्कार। बोला सर क्या? टैक्सी हटा यहाँ से, नहीं तो चालान काटू क्या? अरे क्या भूल गए? 50 रुपए रात में दिए थे, भूल गए आप? अरे रात गए बात गई, चल टैक्सी हटा यहाँ से, नो पार्किंग है ये। चल 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 निकल। बराबर बराबर बराबर। ए टैक्सी तू भी हटा, आएगा चल। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग खराब। मलट चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा? आओ बैठो 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 बैठो, चल बैठो बैठो। या अल्लाह, भर दे फारूक का गल्ला। चलो चलो चलो, 50 का लोबान जला था, 500 का काम हो गया। अरे चलो तू किधर जा रहा है? साइड में झगड़े करो। चल ए तेरी टैक्सी पीछे ले चल। अरे चल रे साहब, लाइन में क्यों खड़े हो? हटाओ ना सबको। अरे तू निकल अपना काम कर, टैक्सी हटा पहले चल। अरे हटाएं क्या पहले इनको सबको, खाली निकल यहां से निकल। साला रात को 50 रुपए के लिए केचुआ बना रहता है और सुबह एनाकोंडा बन जाता है। हाँ भाई क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। ले भाई इसे। भैया जी हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं दे रहा हूँ बे, मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टैक्सी वाला तेरी क्या मदद कर सकता है? 50 रुपए से ज्यादा औकात नहीं है, रख ले इसे तू। भैया तुझे भी नौकरी चाहिए? इसकी माँ का ना का, ये तुम लोगों का कोई गैंग बैंग तो नहीं है बे? मतलब साला एक को दिया तो दूसरा आ गया। भैया मैंने कहा टैक्सी आपकी है। नहीं तेरे बाप की है, खरीदेगा? भैया मैंने कहा मुझे अंधेरी उड़ जाना है। हाँ जी। चलोगे? ये कौन सी जगह है बे? भैया जी हम तो यहाँ नए शहर में बता जाने। आप ये कौन सी जगह है बे? अंधेरी पू। एक मिनट पू। हाँ पू के आगे वो और वो के ऊपर उल्टी डंडी का मात्रा। चुप, स्पीड ब्रेकर साले, एक ऊपर पू फिर डंडी फिर मल्टी फिर कल्टी फिर मात्रा, क्या समझा रहा है भैया जी? अरे तू रखना यार, एक आदमी से तो निपटने दे मुझे। आराम से समझाए, अंधेरी पुल कहाँ है? ये अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट और ऐसे बोलना। इसको अंधेरी ईस्ट जाने का है, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ूंगा, फिर इसे अंधेरी ईस्ट छोड़ूंगा, यानी 500-600 की कमाई, यानी खत्म लड़ाई, बीबी को सीधे ले जाऊंगा सिनेमा हॉल। चल तू टैक्सी में बैठ, देख पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ने का है, उसके बाद तुझे अंधेरी छोड़ूंगा, ठीक? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, फुट फुट दूसरी टैक्सी पकड़ ले ना। वैसे अंधेरी तक यहाँ से जाने में तुझसे 300-350 रुपये आदमी ले लेगा, मैं तुझसे 250 लेता हूँ, तेरी मर्जी, बैठना हो बैठ, नहीं तो फूट ले, दूसरी टैक्सी पकड़ ले। ठीक है भैया, चल चल बैठ 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 टैक्सी में। भैया जी तू रखना मेरे भाया, 50 रुपया दिया, 500 का भाड़ा मिला, तू कल भी मिलना। भैया इसमें क्या लिखा है? अरे यहाँ नौकरी दी जाती है, देश विदेशों में भेजा जाता है, जा जा तुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ जा। तेरे बाबा की गाली के चक्कर में रो रही है? क्या हुआ आपा? फायदा है, क्यों रो रही हो? अरे देखो ना साजिद भाई, बाबा ने एक भी गाली नहीं दी। गाली नहीं मिली इसलिए रो रही है। अगर दो चार गाली दे देते तो बाबा का क्या चला जाता? अरे ये नास पीटा कम से कम 10वीं में पास तो हो जाता। अरे ये कमीने ने साल भर पढ़ाई नहीं की, अगर थोड़ा पढ़ा होता तो कम से कम पास तो हो जाता। अब तो बाबा ने भी गाली नहीं दी, अब तो फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। चल सुना सुना, लड़के ने पढ़ाई नहीं की इसलिए गाली बाबा को मालूम पड़ गया, गाली नहीं दी क्योंकि जानता है गाली देने के बाद घंटा पास होने वाला है। तेरे बाबा पब्लिक को देख के पूरी बनता है दोस्त।
एक दिन बाबा को बचपन में बाबा के बाप ने बीड़ी पीते हुए देख लिया, डर ले गया, दे तुड़ाई। बाबा को भी आ गया गुस्सा, एकदम मुंह फूट अपने बाप को ही माँ बहन गाली दे डाली। अपने बाप को गाली? और क्या झटका नंद। दूसरे दिन बाबा के बाप की 1000 रुपए की लॉटरी लग गई। आप बोल, इस शहर में हर रोज किसी न किसी को लॉटरी लगती है, क्योंकि लॉटरी खेलने वाला हर रोज घर वाले की गाली खाता रहता है। तो क्या मेरे भाई, घर वाले भी बाबा की तरह चमत्कारी हो गए? अरे इसे समझ, गाली तुम्हें बाबा के चमत्कार भरोसा नहीं है? चलो वापस चलो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। वैसे मेरी बीबी सुबह सुबह घर छोड़ के चली गई है, उसको वापस मना के लाना है। चलिए देख क्या रहे, चल। तो क्यों मुझे इतना फोर्स कर रहा है? कहीं बाबा के साथ कमीशन की सेटिंग तो नहीं है? मर गए। ये भाई, यहां तक का टैक्सी भाड़ा निकाल और दूसरी टैक्सी पकड़, अपना रास्ता नाप, अपनी जर्नी ओवर। अरे अरे सॉरी बोला ना प्लीज। अरे हटो यार। अरे सॉरी बोला ना फारूक भाई, सॉरी बोला ना प्लीज। फारूक भाई घंटा सॉरी प्लीज। सुबह किस्मत फटी पड़ी है, बीबी झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई, ऊपर से मोबाइल टूट गया, तीसरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हूं, ऊपर सुबह से तू मिल गया। तेरा टेंशन देखा तो सोचा कर भला तो हो भला, ये मैं तेरी मदद कर रहा हूं, तू मेरे पे शक कर रहे ले। अरे रो मत यार, चप्पल मार ले मेरे सर पे। अरे रो मत, वो जूता पहना नहीं तो अपने सर को तोड़ डालता, तुम्हारे जैसे उठाई गेरों को जब टैक्सिंग बिठाऊंगा तो यही करूंगा ना। अरे रो मत मेरे भाई, रो मत, चल चल गाली बाबा के पास चल। मान गया, शक तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। चलो चल। बाबा 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 बाबा, इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, कोई पता बता दो, कहीं का भी पता बता दो। तो लड़की दिल्ली की रहने वाली है बरोबर। बाबा बाबा, देखा बाबा का कमाल, पैर पड़ो पैर पड़ो पैर पड़ो जल्दी से, तुम अंधेरीपुर के बाप, तुम्हें क्या अलग से SMS करने भेजना पड़ेगा। सीधा भाई, फारूक भाई, वैसे तो मैंने बाहर ही इस भाई को बता दिया था कि वो दिल्ली की। तो तेरा मतलब ये है कि इसने मुझे अंदर आके पहले ही बता दिया था कि लड़की दिल्ली की रहने वाली है? नहीं नहीं, तेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं यूं ही बाबा बनके यहाँ लोगों को फूतिया बनाने की दुकान खोल के बैठा हूँ मादर साहब। क्या बाबा, ये बाबा बाबा की गोद में बैठ के अंगूठा चूस ले, भूतनी के चले आते हैं टांग उठा के यहाँ पे। बाबा गालियों का बरकत है बाबा, इसको 4 गाली और बको बाबा। ए बट बट, नहीं तेरा मतलब ये है कि मैं अपने मुरीदों को बाहर भेज के पहले ही पब्लिक से इंक्वायरी करवा लेता हूँ, उनकी स्टोरी उनकी हिस्ट्री जान लेता हूँ और फिर वही स्टोरी उनको सुना के भपका मारता हूँ उल्लू के पट्टे। नहीं नहीं, आई मीन, अबे अभी अमीन का नाम ले रहा, इसने तुझसे बात की थी कि अमीन से? मेरे से बाबा, अमीन तो आपके लिए खाना लेने गया है। बोल। नहीं नहीं, अमीन नहीं, आई मीन मतलब मेरा मतलब। अबे चुप बे भूतनी के, अमीन मतलब मेरा मतलब, इसका मतलब सब समझता हूँ तेरा मतलब। ताले तू मुझे उल्लू का पट्टा समझता है? हाँ, भूतनी के मादरजात झाड़ की खाल झोलर बाबा समझता है मुझे? या बाबा तेरा काम हो गया, अब तुझे घर गर्मी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा क्या दुकान उठा के बार बार नीचे टेक रहा है जी? बाबा मैं इसे सही में गाली दे रहा हूँ। बाबा गाली तो गाली होती है, आपकी गालियों में भी तासीर है, चाहे आप ऐसे दो चाहे आप ऐसे दो। या बाबा बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ 10-15 गाली और दे दो, बेचारे सुबह से परेशान घूम रहे हैं, और 2-4 गाली में मेरे मुंह पे भी थूक दो ताकि मेरा काम हो जाए, अंधेरीपुर जल्दी पहुंचाऊं। बाबा गाली दो बाबा, गाली दो बाबा, भोपड़ी के बाबा। अरे हमारी गाली देने से तुम लोगों का फायदा होता है तो खाओ गाली, हमारे बाप का क्या जाता है? अबे भूतनी के, अबे मादरजात, अबे भूतमारी के, अबे तेरे मुंह से अच्छी गधे की दुकान होती है वे। अच्छा मजाक है। मामा कैसा है, सब ठीक ठाक ना? हाँ बस देवाची कृपा से, ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए तो 50 ना क्या है, 50-50 को उस दूर गांव में जब बच्चा हकता है माँ कहती धोले धोले धोले, नहीं तो डॉक्टर आएगा गोली दे देगा, बस यही कहने वाले थे ना।
संभाला, अच्छा अच्छा संभाला तूने। हाँ वो मिस्टर किधर है? वो हकने को गया है। कंजे की टोपी सबरे होती है तो अच्छे अच्छों को लगती है। मैं देख के आता हूँ, जल्दी से धोधा के बाहर आ जाओ, अपनी पनौती दूर होने वाली है। चाचा नमस्ते। चाचा 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 विलियम, तू अकेला है क्या? हाँ। चाचा कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, हरे होंगे, देखना यार। मामा क्या? चाचा कहाँ है? कौन चाचा? अरे जो यहाँ लेटा हुआ था वो चाचा। अच्छा वो अंकल? हाँ वो तो गया। किधर? अरे वो जो भालू जैसे भालू वाला है ना, उसके साथ गया। वो बाहर रहा, उसका पेट भी पड़ा, जाके देख लो। इधर मैं फोन पे बिजी था, पलट के देखा तो उसके साथ चला गया चाचा। आयो रब्बा, के मेरे साढ़े बारह लाख। अबे कुत्ते की तरह मुंह खोल के क्या देख रहे हो आराम खोरो? ये मेरी गालियों की तासीर है कि तुम 10 लाख को तरस रहे थे, अब बैठे बिठाए 50 लाख मिल रहे हैं। या बाबा, ये बात तो है बाबा। ये बात है ना जी? इधर आ जी। यही बात ठीक है मादरजात? मेरी निकल पड़ी। हम तो फकीर आदमी हैं जी। जी बाबा, ज्यादा का लालच नहीं करते जी। जितना मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं जी जी। इसीलिए 50 में से 5 मांग रहा हूँ जी बाबा। चुपचाप दे दो, नहीं तो सोच लो पुलिस वाले भी हमारे मुरीद हैं। पुलिस वाले भी आपकी गाली खाने आते हैं बाबा। आपको 5 लाख मिल गए। नीचे उतर, बाहर बैठा हूँ। आ जा बेटा। बाबा की जय। नमस्कार बाबा। पैरों में रहेगा मौज भी तो तू लेगा बे। फारूक भैया, मैंने काली बाबा को देखा नहीं, वो गलती से अखबार। गलती मुझसे हो गई भैया, जो तुझे गाड़ी में बिठाया अखबार मिलने की खुशी में आ गए हैं। बाबा को देखा नहीं और बोल पड़े हैं। फारूक भैया, अखबार मिल गया, अब हम सबको 50 लाख मिल जाएंगे। माँ का झोपड़ा। हाँ टांगे फैलाओ जी। तेरी अत्तरियों की रस्सी बना के तुझे उस पे लटकाऊंगा। रुक जा वहीं पे, रुक जा बे। क्यों मार रहा है मेरे 50 लाख के टिपर को? मार नहीं रहला हूँ बाबा, इसको बोल रहला हूँ बाबा के पैर पकड़, ये भाग रहला है। नहीं 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 नहीं, पैर पकड़ने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं ही इसका शुक्रगुजार हूँ। उल्टा हो के थैंक यू। थैंक यू बोला ना, अभी तुझे कैसे गाली सुनवाता बाबा। बाबा ये फर्स्ट टाइम आपके काम आया है, तो मैं चाहता हूँ तोहफे के रूप में फोकट में इसको 50-60 गालियां निछावर कर दीजिए। फोकट में? इससे रिक्वेस्ट बाबा। रिक्वेस्ट? आ इधर आ बेटा, ठीक है। अब देख मैं इसका कैसे मीटर डाउन करता हूँ। ले आ सब नीचे उतर के, आवे भूतनी के साले, तेरी झाड़ियों में चीटियां चढ़ जाए। अबे मादरजात, तू बोए खरबूजा और बदले में मूली पाए पत्ते समेत भूतनी के। अबे साले टट्टी के रंग तेरा रंग बदल के काला हो जाए बे। इससे पहले कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के टपक जाए और 50 में हिस्सा मांग ले। गड़बड़ है मैम, चाचा को लेके निकल लेते हैं। चाचा चाचा किधर? अच्छा तो चाचा इधर बैठ। चाचा चाचा, अरे चाचा इतनी अंदर सूसू मत कीजिए, बॉडी का पूरा पानी खाली हो जाएगा। चाचा, ये चाचा कौन है बे? तू कौन है बे? तू चाचा नहीं है? नहीं मैं भतीजा हूँ। साले तू चाचा नहीं है तो अंदर से बात क्यों कर रहा है बे? क्या कर रहा है तू अंदर? देख चाहे 1 नंबर का चाहे साले 2 नंबर का, लेकिन अंदर से आवाज मत कर, तेरी माँ का ना। रुक रुक, आ रहा हूँ। आधे आधे से ही? हाँ आधे से तेरे को पूरा देने आ रहा हूँ बे। रुक मत, रुक दे, धोए साले बाहर मत आना।